नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण मल्होत्रा बाबा टूल के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक नया टॉपिक और एक नई प्रॉब्लम के साथ आया हूं। यूएफआई बॉक्स आपको पता है किस काम के लिए, ईएमएमसी अपग्रेडेशन के लिए, ईएमएमसी फॉर्मेट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। बट हम ले तो लेते हैं, बट इसका इंस्टॉल करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इंस्टॉल कैसे करना है, इसका क्या यूज, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन, इसके डाउनलोड एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी कहीं से भी दुनिया में आपने खरीदा हो पर मेरी वीडियो आप सबके काम आएगी। जब भी आप अटकोगे, जब भी हम यूएफआई लेते हैं, पहले हमें अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस को बंद करना है, क्योंकि इसके अंदर exe फाइल होती है जिसको एंटीवायरस करप्ट कर देता है, क्योंकि exe फाइल एक तरह से वायरस होता है। जैसे ही आप एंटीवायरस के अंदर जाओगे, आप हमारे इसके अंदर जाते ही वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है। बिल्कुल स्लो बता रहा हूं मैं आपको, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाएंगे, फिर मैनेज सेटिंग में जाना है। मैनेज सेटिंग के अंदर आप देख रहे हो ये आएगा रियल टाइम प्रोटेक्शन, आपके सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑफ करना है। और उसके बाद हम जाएंगे अब यूएफआई का डाउनलोड करने के लिए। कहां से डाउनलोड होगा मैं आपको बताता हूं। टाइम टू टाइम बॉक्स में वर्जन चेंज होते रहते हैं, वर्जन अपडेट होते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको सब कुछ नया पता चले, कब कैसे डाउनलोड करना है आप खुद भी कर सको। तो इसके लिए बिल्कुल आसान है, मैं लिखूंगा यूएफआई बॉक्स लेटेस्ट सेटअप, ये मैंने सर्च करा और ये आ गया नीचे। मैं डाउनलोड कर सकता हूँ मोबाइल rdx.com से। इस पर हम गए, बिल्कुल नीचे चले गए, ये लेटेस्ट दिखा रहा है जी, इसमें आ रहा है 1.7.0, इसमें आ रहा है 1.6.0, हमें लेटेस्ट वाला करना है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो उसमें 1.90 हो, सकता है 1.95 हो, तो लेटेस्ट देखना है। मिरर पे हम जाके क्लिक करते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन, इसको डाउनलोड करेंगे हम, बिल्कुल ईजी है। देखो कितना इसके फायदा क्या होगा, आपको जो एरर आता है कॉम पोर्ट बनाने का, पोर्ट नहीं बनता, ड्राइवर नहीं बनता, ड्राइवर नहीं ले रहा, कितनी कॉल्स करते हो कि सर ड्राइवर नहीं हो रहा या चल नहीं रहा, तो आपको एक ही बारी में मेरी वीडियो देखोगे बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्राइवर इंस्टॉल करने में, वीडियो सेटअप इंस्टॉल करने में, और फर्स्ट बारी में आपका यूएफआई चलेगा, पहली बारी में सिंगल क्लिक में इंस्टॉल होगा। ये वीडियो इतने काम की है कि आपको यूएफआई में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। एक अनजान आदमी भी यूएफआई लेने के बाद इंस्टॉल कर सकता है और चला सकता है। ये आप देख रहे हैं जैसे ही मेरा सेटअप इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको मैं बताऊंगा क्या करना होता है, कैसे करना होता है और क्या चीज मांगेगा ये। अब आगे ओपन मैंने किया ये फोल्डर जहां पर मेरा सेटअप डाउनलोड हुआ है, ये यूएफआई, इसको मैं करूंगा जिप और एक्सट्रैक्ट किया मैंने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे आगे खुल जाएगा और ये रहा, ये मैंने करा एक्सी को, एक्सी फाइल को रन करना है मैंने। आपने भी एक्सी फाइल आपके सिस्टम में ऐसे ही दिखाएगा जैसे मेरे यहाँ दिखा रहा है, इसको आपने रन करना है बड़े अच्छे से। पर आपने ना अपना बॉक्स कनेक्ट नहीं करना, इस चीज़ को याद रखना, बॉक्स कनेक्ट नहीं करना पहले बिल्कुल भी, नहीं तो फिर ड्राइवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेता नहीं है। आपने कनेक्ट नहीं करना, एक बारी मैं आपको बताऊंगा किस टाइम कनेक्ट करना है। अब देखो आया नो यूएफआई डिवाइस डिटेक्टेड, क्लिक हियर टू इंस्टॉल ड्राइवर फॉर यूएफआई बॉक्स और यूएफआई डोंगल। हमारे पास डोंगल तो नहीं है, बॉक्स है। अब मैं इस टाइम पे अब इसको कनेक्ट करूंगा। पहले मैंने यूएसबी पोर्ट में लगाया, मैंने यहां पर देखो अब बॉक्स में लगाया, ये लगाने के बाद मैंने यहां पर करा इंस्टॉल पे क्लिक, ये देख रहे हो फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल होगा। बॉक्स पे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद देखो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, यूएफआई बॉक्स और यूएफआई बॉक्स के डोंगल के ड्राइवर पे मैंने क्लिक किया। नीचे है एंड्रॉइड के अलग अलग ड्राइवर जो आपके किसी भी काम आ सकते हैं, क्वालकॉम के, मीडिया टेक के, ये मेरे सिस्टम में है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसको इंस्टॉल करना, नहीं तो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके अलग अलग फोन्स के अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं तो आपके पास होने चाहिए, बट मेरे सिस्टम में है तो इसलिए मैं इनको कर नहीं रहा था, यही कर रहा इंस्टॉल। ये मैंने देखो इंस्टॉल पे लगा दिया और ये यूएफआई इंस्टॉल होएगा। इसके साथ ये दो आपके वो भी आते हैं, क्या नाम है, आईसीस के लिए कनेक्ट करने के लिए, ये है 162/153 और ये बीजी है दूसरी के लिए, ये 221 और 254 के लिए आया है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हमने इसको लगाना है, कैसे चलाना है, ये आपको दिखाता हूँ। ए इंस्टॉल होने के बाद मैंने ये आईसी यहाँ पर लगाई, आप देख रहे हैं ये आईसी यहाँ लगेगी, लगने के बाद और ये लीजिए, ये दिखा रहा है वेरीफाइंग स्मार्ट कार्ड, वेरीफाइंग स्मार्ट कार्ड वाला ड्राइवर भी ले लिए थे, सब कुछ ले रहा है, स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर भी ले लिए, हर चीज़ ले ली, आपको बिल्कुल भी ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो इतने आसान तरीके से बनाई जा रही है ना कि आपको बिल्कुल आसानी लगे, सॉफ्टवेयर काम करना भी आसान लगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई लेटेस्ट ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, आपको प्रॉब्लम आती है
किसी भी चीज़ में, तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। आपने ये क्लोज मैंने करा बैकअप के लिए, और ये देखिए ये हो गया चालू। अब मैंने क्या करना है, आइडेंटिटी फाई ईएमएमसी पे क्लिक करा, और ये देखिए अब ये मेरी ईएमएमसी, ये देखिए एक बार ईएमसी मैंने कनेक्ट नहीं करी, मैं अभी इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, और आप देखना जैसे ही कनेक्ट होगी देखो ईएमएमसी की शेप आ रही है, आपको दिख रही है। ये मैंने क्यों दिखाया, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी। क्यों आएगी प्रॉब्लम, अगर आपकी ईएमसी गलत लगेगी तो ये एरर आएगा, इससे आइडिया, अगर कनेक्ट होगा तो ऐसे कनेक्ट आएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ईएमएमसी को थोड़ा सा भी हल्का सा भी हिल जाएगी, ये देखिए हिलते ही दोबारा दिखाता हूँ क्या एरर आएगा। एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो क्या एरर आएगा। ये एरर आपके पास भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे आएगा, आपकी ईएमएमसी बिल्कुल सही लगी होनी चाहिए। अब मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा रीड इसको कनेक्ट करके, ये देखिए ईएमएमसी सही लगी, कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब यूएफए इंस्टॉल हो गया, अब आप यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट्स पे करिए। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं नई नई अपडेट, नई नई वीडियो हमें फॉलो करें, और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो बाबा टूल्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। थैंक यू।